नमस्कार, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं केबी भारत। अलीगढ़ के थाना गोंडा क्षेत्र के एक गांव की निवासी किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बता दें कि किशोरी की मां ने फरुखाबाद की फतेहगढ़ पीएचसी में तैनात एक सिपाही व उसके एक साथी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। वही पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार आरोप है कि सिपाही ने किशोरी को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद आरोपियों ने किशोरी का वीडियो भी बना लिया, साथ ही उन्होंने किशोरी को वीडियो वायरल करने की धमकी दी। देखिए, थाना गोंडा क्षेत्र में ये दिनांक 16 तारीख को एक ये थाने पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें एक महिला द्वारा एक दो व्यक्तियों पर यह आरोप लगाया गया कि उसके साथ उन्होंने दुष्कर्म किया और साथ ही अन्य धाराओं में आरोप लगे थे। तो तुरंत ही इसमें FIR पंजीकृत कर ली गई और जांच के दौरान यह आया कि उनमें से एक जो व्यक्ति है वो PAC में 2018 वर्ष में भर्ती हुआ था और उसको उसके ड्यूटी स्थल से टीम द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। और जो